Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. शाहरुख खान बॉलीवुड जगत का नामी चेहरा है। बॉलीवुड में शाहरुख खान का सिक्का चलता है। इनके नाम से ही फिल्में करोड़ों की कमाई कर जाती है। शाहरुख को SRK किंग खान बॉलीवुड बादशाह के नाम से भी लोग पुकारते हैं। शाहरुख के माता पिता मूलतः पठानी थे। शाहरुख के पिता का नाम ताज मोहम्मद जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे और माता जी का नाम लतीफ़ा खान जो कि मेजर जनरल शाहनवाज खान की बेटी थी। शाहरुख के पिता भारत विभाजन से पहले पाकिस्तान में पेशावर के कहानी बाजार में रहते थे और मां रावलपिंडी में रहती थी। शाहरुख की बहन का नाम शहनाज है। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में हुआ। शाहरुख खान ने अपने स्कूल की शिक्षा संत कोलंबिया स्कूल दिल्ली से पूरी की। इसके पश्चात हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से इकोनॉमिक्स में स्नातक की शिक्षा पूरी की। तत्पश्चात जमिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री पूरी की है। इनकी अगर हाइट की बात करें तो इनकी हाइट 5 फीट 8 इंच है। अगर इनका वज़न की बात करें तो इनका वज़न जो है 75 किलो है और इनकी एज लगभग 55 साल है। शाहरुख खान अपनी पहचान बॉलीवुड जगत में बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मुंबई की ओर अपना रुख किया और फिल्म दीवाना से अपने बॉलीवुड की पारी की शुरुआत की और लोगों को ये दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है। फिल्म दीवाना बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर हिट रही। इसके बाद 1993 में आई फिल्म बाजीगर में भी शाहरुख खान की अदाकारा देखने लायक थी। एक ऐसे नेगेटिव किरदार होते हुए भी उन्होंने फिल्म में उनको सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। इसके बाद फिल्म डर में भी उनकी अदाकारी सबको अपना दीवाना बना गई। डर फिल्म में उनका रोल एक सिर्फ रियासी का था। जिस समय शाहरुख खान इस तरह के नेगेटिव किरदारों के किए जा रहे थे उस समय हीरो ऐसे रोल करने से कतराते थे क्योंकि कहीं उन लोगों के लिए कैरियर पर ऐसे किरदारों का मुहर न लग जाए। लेकिन शाहरुख खान ने इस चुनौती को स्वीकार किया। इसके बाद कभी हाँ कभी ना फिल्म में काम किया। 1995 में आई आदित्य चोपड़ा की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से शाहरुख खान की इमेज एक लवर बॉय और किंग ऑफ रोमांस की छवि लेकर लोगों के सामने आई। लोगों ने फिल्म और शाहरुख खान की एक्टिंग को बहुत प्यार दिया और बहुत पसंद किया। फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म के लिए शाहरुख को फिल्म मेकर अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और फिल्म इतिहास की सबसे हिट फिल्म साबित हुई। कुछ सिनेमाघरों में 12 सालों तक इस फिल्म को चलाया गया। इसके बाद यश चोपड़ा की फिल्म दिल तो पागल है, सुभाष घई की फिल्म परदेश जैसे फिल्मों में शाहरुख को और भी प्रसिद्धि हासिल दिलाई। करण जौहर की फिल्म कुछ कुछ होता है साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी और मणि रत्नम की फिल्म दिल से भी लोगों के बीच काफ़ी सफल रही। शाहरुख खान के समय उस साथ ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते जा रहे थे। बॉलीवुड में उनकी फिल्मों का सफर रहकर सफलता की बुलंदियों की तरफ बढ़ता जा रहा था। अपीति और लोगों की तरह उनकी सारी फिल्में सफल न होती लेकिन कुछ फिल्में में वो अपना अभिनय के द्वारा सबको पीछे छोड़ते जा रहे थे। 2000 में मोहब्बतें, 2001 में फिल्म अशोका और कभी खुशी कभी गम फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज़्यादा प्रदर्शन अच्छा किया। इसके बाद 2002 में आई फिल्म देवदास में शाहरुख खान के अभिनय को लोगों ने बहुत प्यार दिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई। बीरा जाराडॉन, ओम शांति ओम, रब ने बना दी जोड़ी, माय नेम इज़ खान, चेन्नई एक्सप्रेस और रईस जैसे फिल्मों की पारी ने शाहरुख खान को बॉलीवुड किंग खान की उपाधि दी और ये साबित कर दिया कि अगर लगन कौशल और सपने पूरे करने का जुनून हो तो सब हासिल किया जा सकता है। अगर हम शाहरुख खान की बात करें तो इनको तंदूरी चिकन काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उनका फेवरेट एक्टर जो है संजय दत्त, अनिल कपूर, दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन हैं। फेवरेट एक्ट्रेस की बात करें तो शाहरुख खान की फेवरेट एक्ट्रेस काजोल, जूही चावला, माधुरी दीक्षित, मुमताज़ और शायरा बानो है। ब्लू एंड ब्लैक उनका फेवरेट कलर है। उनको लंदन और दुबई में घूमना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उनको स्पोर्ट्स में हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट खेलना पसंद है। शाहरुख की शादी गौरी छिब्बर से 25 अक्टूबर 1991 को हुई थी। शादी के बाद गौरी छिब्बर गौरी खान के बाम से जाने जाने लगी। गौरी खान एक फिल्म प्रोड्यूसर और इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। शाहरुख खान और गौरी खान के दो बेटे आर्यन खान और अबराम खान और एक बेटी सुहाना खान भी हैं। तो दोस्तों ये थी शाहरुख खान की कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो आपको नहीं पता। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल फिल्म फंडा को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ें और बेल आइकन का बटन दबा दें। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.